ये देखो भाई साहब भीड़ भीड़ देखो, कितना सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। मेरा भी मन भीड़ देखो कितनी स्पीड में चल रहा हो भाई। वाह, अभी मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन आ गया हूँ और मैं टिकट भी यहाँ से ले लिया हूँ, जिसका दाम यहाँ हावड़ा से दीघा का 90 रुपया है। उसके बाद मैं हावड़ा के 19 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ गया, जहाँ से दीघा के लिए ट्रेन जाती है। और मेरा ट्रेन का टाइम 6:45 पर था, लेकिन ट्रेन 1:45 लेट होने के कारण लेट आई और बड़ी मुश्किल से मुझे सीट मिला जो कि ऊपर में था। और जैसे तैसे करके मैंने अपने सीट को लिया और थोड़ी ही देर बाद हमारा ट्रेन चलना शुरू हुआ। और जैसे जैसे मेरा ट्रेन चलना शुरू हुआ, मेरा धड़कने तेज़ हो गई, क्योंकि मेरा एक और सपना पूरा होने वाला था। और 4 घंटे बाद तो फाइनली दोस्तों हम दीघा आ गए हुए हैं। और भीड़ चेक करो, ये रहा हमारा सामने ट्रेन, इसी से हम आए हैं और दीघा पहुंच चुके हैं। और भीड़ चेक करो भाई साहब, इतना भीड़ है। तो फाइनली दोस्तों एक होटल मिल गया है, जिसमें आ गए खाना खाने के लिए। काफ़ी तेज़ भूख लगा हुआ था तो ढूंढते ढूंढते एक दुकान मिल गया है, छोटा ही दुकान है। तो दोस्तों हम खाना खा लिए हैं और खाना खा के दीघा बीच के पास में आ गए हैं। और देख सकते हो कितना सारा ढेर सारा गाड़ी लगा हुआ है, काफ़ी भारी भरकम भीड़ में लोग यहाँ पर आता, बहुत सारे लोग आते हैं दीघा बीच घूमने। ये सीजन ऑफ सीजन हमेशा लोग यहाँ आते ही रहता है। जबकि मैं आपको बता दूँ, दीघा बीच दिसंबर से शुरू हो जाता है घूमने का, मेन समय वही होता है और जनवरी तक चलता है, क्योंकि इस मौसम में अगस्त के मौसम में धूप ज़्यादा होता है। और जैसे ही मैं दीघा बीच के सामने पहुंचा तो मेरे आंखों के सामने एक दृश्य था जो मेरा एक सपना था, जिसको मैंने खुली आंखों से देख रहा था। मेरे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस नज़ारे को देख रहा हूँ। इस नज़ारे को देखकर जैसे कि मेरा अकल ही गुम हो गया होगा, मैं चौकाचौंद रह गया इस दृश्य को देखकर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से इतनी तेज़ लहर उठ रही थी। लाखों के भीड़ में लोग स्नान कर रहे थे, बोटिंग कर रहे थे, हर सामान यहाँ पे बिक रहा था और मेरा एक सपना पूरा हो गया था। तो मैंने भगवान से दिल से बोला कि थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया और मैं अपने सपनों को पूरा होते हुए इसी आंखों से देख रहा हूँ। सकते हो भाई, भीड़ चेक करो आप, ये देखो भीड़ चेक करो, कितनी भीड़ है यहाँ पे, ये देखो। भाई साहब और भी पास में चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। भीड़ देखो, कितना सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। मेरा भी मन कर रहा है नहाने का, लेकिन देख सकते हो बैग है मेरे पास, कैंपिंग टेंट है, तो कहाँ रखे नहीं रखे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पता चले कोई उठा के ही ले जाए इसकी वजह से।
जैसे शाम हो गया ना बराबर आ जाए, बोटिंग जा रहा है। ये देखिए हर तरह का बोटिंग है, हर तरह का बोटिंग का एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे भी लगा हुआ नहीं है तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही प्यारा सा व्यू भी आ रहा है। आप देख सकते हो क्या नज़ारे हैं भाई, बंगाल की खड़ियों की नज़ारा देख सकते हैं, दीघा बीच के नज़ारा आप देख सकते हैं। वाओ इमेजिंग, फिर देखो कितनी स्पीड में चल रहा हो भाई। वाह तो दोस्तों न्यू दीघा में कहीं रुकने का जगह मिला नहीं है, क्योंकि मैंने पुलिस वाले अंकल से पूछा तो बोले कि यहाँ पे आसपास में कहीं जगह नहीं है, होटल का ही ऑप्शन है। तो पास में ही पुराना दीघा में पुलिस स्टेशन है तो हम वहीं पे जा रहे हैं, हम अपना रात को स्टे वहीं पे करेंगे। और देख सकते हो समुद्र के किनारे किनारे ही हमको जाना है पुराना दीघा। तो फाइनली दोस्तों महादेव के कृपा से हमको एक धर्मशाला मिल गया, क्योंकि हम पुलिस स्टेशन गए थे तो वो बोले थे कि जो धर्मशाला पास में है तो वही एड्रेस दिए थे और मोबाइल में लोकेशन भी चालू कर दिए थे। फिर वहाँ से हम यहाँ आ गए हैं और यही रूम हमको मिला है, तो अपना बिस्तर बिस्तर यहीं पर मतलब बिछाना है और रात गुजारना है। तो चलिए भगवान का लाख लाख शुक्र से चलते हैं, बिस्तर करते हैं और सोते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों अभी हमारा भारत यात्रा चल रहा है और आप लोगों की प्यार का बहुत ही ज़रूरी है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए, भर भर के लाइक शेयर कमेंट करिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट का मुझे बहुत ज़रूरी है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो भारत यात्रा में आप लोग भी शामिल होइए। फिर हम मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।